ट्विंकल जो है ना, वो इस वक्त बैठी हुई है स्कूल के रिसेप्शन में, क्योंकि उसको ना वो टूथेक है, और मैं इनको भी डेंटिस्ट के पास लेके गई थी, तो मैं भी अभी बैठी हूँ यहाँ पर। तो बस अभी ये देखिए स्कूल की एंट्रेंस है, तो बस अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। शैली का वेट कर रहा है, वो इनसाइड है, वो आती है तो फिर हम लोग घर जाएंगे। चलो जी, ये देखिए मैं बैठी हूँ बाहर, इतनी रेन हो रही है ना, बस बालों को ना बांध बांध के। तो मैंने कहा चलो आज मेरे मेरा डे ऑफ है आज, पर बच्चों की वजह से देखने कोई डे ऑफ नहीं होता। कहती हूँ ना कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी किसी वक्त भी, तो हमें ना बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। चले मैं वेट करी अपने बच्चों का, वो आती हैं तो फिर हम लोग जाते हैं। ठीक है जी, तो मम्मी फिर सारा दिन शाम आज जो कुछ करूँगी आप लोगों से शेयर करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। थैंक यू, चलिए बाद में मिलती हूँ। ये देखे जी, ये मेरी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कह रही है। ठीक है, चले अभी हम जो है ना ये बाहर खड़े हैं, क्योंकि मैंने स्कूल से ले आई हूँ दोनों को। ये देखे दोनों मेरे साथ खड़ी हैं, और बस इनके डैड आ रहे हैं हमें पिकअप करने के लिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, और ये देखे बस सब आपस से मिल दिया ने पिया हैं, कहनिया ने मिल मिला के रहना चाहिए। चले जी, ये देखे इसके, ये दिखाओ, ये देखे मेरी बेटी, एनू है ना टॉयज बड़े पसंद ने, ये लीले पिल्ले से टॉयज जो है। ठीक है, ये देखे जी, चले और मौसम देख लें कैसा उदास मौसम है ना। चलो कोई गल नहीं, तुसी तो पकौड़े शकौड़े बना के खाओ ना। आ वेखो कितने बर्ड यहाँ पर ना, लिबरली सारे पिजे ने, आपको पता है कबूतर है सारे वेले, उन्होंने कोई डर नहीं किसी का भी कि कोई पकड़ लेगा ने। तो कई जगहों पे तो इंसान को डर है, यहाँ देख लो किसी ने कोई डर नहीं। चलो जी ठीक है, ये देखे यहाँ हम खड़े हैं बस। तो चले मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। चलिए जी, जैसे कि आपको पता है बच्चों को लेके मैं स्कूल से आ गई थी, तो ये देखिए थोड़ी ग्रॉसरी की है, थोड़ी ये है मैकडोनल्ड लेके दिया, और ये देखिए ये मैं लेके आई हूँ कंफर्ट का है इंटेंस, ये बहुत अच्छा होता है, वेपोरेसिस है ये, जैसे आप आयनिंग करते तो उसमें ये वाटर डाल लेते तो इससे ज़रा खुशबू जो ना ज़रा सोने कपड़े चौन ला पाएंगे। ठीक है जी, तो आज मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये देखिए ये मेरा एक पार्सल आया है परफ्यूम शॉप पे, क्योंकि मैं हूँ जी ये फ्रेग्रेंस शॉप है, मैं मुझे जो है ना खुशबुएँ बहुत पसंद है, तो मैं शेयर करूँगी ये कौन सा परफ्यूम मैंने लिया। ठीक है जी, तो फिलहाल तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने जो ग्रोसरी की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो जी, ये देखिए मैं शॉपिंग की है, ऑनियन लेके आई थी बच्चों ने कुछ स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इनको स्ट्रॉबेरी पसंद है। ये देखिए जी चिक पीस हैं, ये थोड़ा सा कोल स्लो था, जब बच्चों को सैलड बना के देती हूँ ना उसमें डालती हूँ। तो ये जी मेरे मशरूम हैं, क्योंकि मैं मुझे मशरूम जो है ना पसंद है, ब्लूबेरीज और पोमीग्रेनेट ले आई थी थोड़ा सा, और बस ये छोटे छोटे घर की चीज़ें जो हैं। और ये देखिए ये फिश फिलेट है जी, ये वाइट वाले हैं, और साथ ही मैं जो है ना ये ले आई हूँ कीमा और लैम ले आई हूँ। ठीक है जी, तो चलें ये है जी मेरी ग्रोसरी। तो आई होप कि आप लोगों को फिर शेयर करती हूँ जो भी करूँगी आज। चले ये देखे मैं जो लेके आई हूँ ना, तो मेरा पार्सल आया, तो मैं आप खोलती हूँ, देखते इसमें। ये देखिए जी पॉइजन डियो का, इसी देखिए जी जबरदस्त, ये द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे परफ्यूम पसंद ही बहुत है। ठीक है जी, चले किस दिन आप लोगों के साथ सारी कलेक्शन जो है ना मेरी परफ्यूम की वो शेयर करूँगी, ले मैं आपको ना। ये देखिए जी गुशी, ये देखिए जी ये डियो का जो है ना लोगो वो लगा हुआ है, खोलने को दिल नहीं करा, खराब हो जाएगा। चले मैं आपको दिखाती हूँ, चलो जी मैं आपको ना इसको मैंने कहा खोल के भी दिखा ही दूं आप लोगों को। तो यू कैन सी, ओह बी केयरफुल जी, मेरा डियो, वो कैसा जबरदस्त है। बताइएगा कौन किस किस को परफ्यूम्स पसंद है और किसके पास डियो है। मेरे पास डियो की काफी कलेक्शन है, मैं किस दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चले आती हूँ फिर दोबारा। चलो जी ये देखिए ये जो था ये प्याज में मैंने सारा वो खड़ा मसाला डाल दिया, अब हम इसमें डालेंगे ये हमारा जो मिक्स लैम है उसको डालेंगे।
शायद रोशनी कुछ ऐसी पड़ रही है कि आपको पर्पल सा नज़र आ रहा है, ये पर्पल नहीं है, ये वही लीफ का कलर है। शायद इवनिंग का टाइम है ना, तो बल्ब की रोशनी ये सारा मिल के शायद इसके कलर को उसने ख़राब कर दिया। तो चल रही है, देखें अभी मैं मिर्च जो है ना वो मैं इसमें अच्छी तरह फ्राई करूँगी, और जब मिर्च का कलर थोड़ा चेंज होगा तो हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसमें अदरक डालेंगे, और जो भी मसाले मैं यूज़ करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, तो चले ये ट्विंकल का अब काम है इसको अच्छी तरह भूनना। अब इसको लगी है भूनने, और फिर जब ये अच्छी तरह भून जाएगा फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये है मिर्च का कलर। ठीक है, पहले वो जीप सा कलर लग रहा था, ये देखें जी ये भुनता है ना, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जो मिर्च मैं बना रही थी वो कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो ब्राउन हो गया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज डाला था, और प्याज में ही मैंने इसको ब्राउन किया था। ये देखें जी, सस्ते सस्ते खाने बनाओ बस, एक दूसरे में उन्होंने को मिल मिलाप करो आपस से, हैं तो इतने अच्छे खाने बन जाते हैं। बस मैं भी इंजी कुछ करनी है बस, आपस में इनके बस मसालों के मेल मिलाप करवा देती हूँ। हैं रिश्तेकरान वाली खाला मैं रिश्तेकरान वाली खाला नहीं, पर मैं खाने में रिश्ते करवा देनी है। चलो जी, इसके बाद देखें जी अब हम टमाटर डालेंगे। ये देखें जी, ये है टमाटर, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। चलो जी, चलो ये मेरी बेटी, आपको पता ना मेरा असिस्टेंट जो है मेरी बेटी, वो डाल रही है ये सारे टमाटर इसमें डालेंगे। अब मैं टमाटर इसमें पकाऊंगी थोड़े से, फिर जो मसाले में इसमें ऐड करती हूँ ना वो भी मैं आप लोगों को से शेयर करती हूँ। ठीक है जी, इसी तरह बनते रहे इस तरह। देखिए अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और इसके बाद जो मैं करूँगी वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है जी, स्टे विद मी, और मैं आपकी थोड़ी देर के बाद जी। ये देखिए टमाटर जो मैंने डाले थे उसके बाद ऐसा हो गया कुछ इसका कलर, तो अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। मैं अपनी बेटी को कहती हूँ वो दिखाती है। चलो जी, ये देखिए जी, ये है इसमें डाली हमने थोड़ी सी कुटी सी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, काली मिर्च और धनिया पाउडर। ठीक है जी, अभी हम सब कुछ इसमें डालेंगे या पूरी ये। चले जी, ये देखिए उसने डाल दिया सारा इसमें। ठीक है जी, अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, भुन जाएगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो जी, ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह से अब भूनूँगी। देखिए जी, इतना प्यारा इसका कलर लग रहा है ना, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है, कभी कभी नहीं भी दिल करता कि एक ही किस्म का खाना खाया जाए, तो बस बंदा अपना थोड़ा सा कुछ जोड़ तोड़ करके तो उसको बना लेता कैसा। ठीक है, बस इनको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स किया। अब इन्हें मिक्स करूँगी, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि जो लैम है ना, लैम तो वैसे स्प्रिंग लैम है, गल जाता है, नो, लेकिन थोड़ा सा और ज़रा वो हो जाएगा। ठीक है जी, चले अभी मैं इसमें पानी वानी डालती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को दोबारा से दिखाती हूँ। चले ये देखिए जी, अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये भुन गया हमारा मीट बहुत अच्छे तरीके से, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, मैं कुछ और पानी ऐड करूँगी इसमें। चलो जी, ये पानी हम ऐड करेंगे और बस इसके ऊपर कवर दे देंगे, और उसके बाद जब ये बनेगा तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जी चेक करते हैं हमारा जो खाना है वो कहाँ तक पहुँचे। ओए होए होए होए, ये देखो जी, देखो। चलो इधर ये पीछे बाबा, ये लो मेरी, चलो ये ओपन करो थोड़ी सी। चले जी, चलो जी, देखिए हमारा खाना, ये देखिए जी कितना मज़े का बन गया। ये देखिए सूप इसका, देखिए कैसा ज़बरदस्त बना। ये देखिए सूप बहुत अच्छा बना, और ये देखिए कैसा टेंडर हुआ। ये देखिए, ये देखिए मीट कैसा खोल, ये देखिए टूट रहा है मीट। ठीक है ना, ये देखिए जी। ठीक है जी, तो बस अब इसमें हम इस टाइम पे हम मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी कसूरी मेथी, मैंने बड़ी पसंद है कसूरी मेथी। चलो तो ये है कि अब इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। चलो इसमें डाल दो सारी, मेरी बेटी जो है ना वो मेरी हेल्प करती रहती है जी बेटा। चलो जी, ये देखिए जी कसूरी मेथी। चलो जी, अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर देंगे। ठीक है, ये देखिए जी क्या बात है, कैसी ज़बरदस्त बनी है, सच्ची बताइएगा। देखिए आ गया ना अपना पाकिस्तान याद है, उत्थे जो अम्मी या फिर मेरी एक ममानी वो खाना बनाती थी ना, तो बस साढ़े मुँह से भी पानी निकलना ही उन्होंने सिखाए फटाफट खाना मेरे तो खाए। तो चले, आई होप कि आप लोगों ने आज की ये रेसिपी पसंद की होगी। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चले मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूँगी, और फिर मैं इसको बॉल में निकालती हूँ, फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखिए, तब तक जी ये मेरी डार्लिंग बेटी, ये देखें आज देखे मैंने इसके बाल बनाए, ये देखे नाइस बने, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखे तो माशाल्लाह से है ना, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। चले मैं अभी आपको दोबारा मिलती हूँ 2 मिनट में।
चले अब ट्विंकल जो है ना इसमें डालेगी धनिया। ये देखे जी ये मैंने फ्रीज किया होता है, तो बस जब ये मिक्स करेगी इसको धनिए को भी, और हम इसको बाउल में निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चले जी ये ट्विंकल जो है ना अब हमें निकाल के दिखाती है। वाह देखिए जी कैसा ज़बरदस्त खाना बना है, और ग्रेवी देखिए इसकी कैसी मज़े की लग रही है। ये देखिए जी वाह, चलो वाह वाह वाह, इतना टेस्टी लग रहा है। इसके साथ गरम गरम नान हो रोटी हो तो आप कुछ भी इसके साथ खा सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको आज की ये जो डिश है ना हमारी ये पसंद आई होगी। देखिए बहुत अच्छा मीट लग रहा है और बिल्कुल टेंडर सा बना है। ठीक है तो चलें अभी चलेंगे, ठीक है फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।